नमस्ते दोस्तों, आप सभी का लक्ष्मी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की टेस्टी टेस्टी पूड़िया। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, अपने पूरे परिवार को खिलाएं। तो हम देख लेते हैं ये गाजर वाली पूड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हमारी ये गाजर वाली पूड़ी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैंने 250 ग्राम मैदा ली हूँ, एक छोटी कटोरी गेहूँ की आटा, चार गाजर मैंने उबाल करके पीस ली हूँ, उसको भी डाल देंगे। आधी कटोरी मैंने दूध ली हूँ, उसको भी डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक ली हूँ, इसको भी डाल देंगे। और मैंने गाजर उबाल के जो पानी रखी है इसको भी उसी में डाल देंगे, डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे। रिफाइन तेल 2 बड़े चम्मच डाल देंगे इसमें। मैंने आटा को गूंथ ली हूँ, अब इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और बेल लेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई बैठा के गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और सारे पूरी को तल तल कर हम रख लेंगे। ये पूड़िया खाने से आंखों की रोशनी ठीक रहती है, बच्चे की आँख ठीक रहते हैं। अपने बच्चों को जरूर खिलाए, टिफिन में बच्चे को ये पूड़ी जरूर दें। बहुत ही हेल्दी पूड़ी है ये, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट लगती है खाने में। सब्जी से खाए, छोले से खाए, जिससे भी पसंद उससे आप खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है और आप जरूर बनाए। मैंने पूरी को तलना शुरू कर दिया। अब इसी तरह तल तल के हम सारे पूरी को निकाल लेंगे, अच्छे से तेल को निचोड़ के पूरी सब निकाल लेंगे हम। तेल गल जाने से अच्छे से रख देंगे पूरी को और सारे पूरी को इसी तरह से हम तल के निकाल लेंगे, अच्छे से तेल को निकाल निकाल के। हमारी सारी पूड़िया बन करके तैयार हो चुकी है। मजे से खाइए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।